आज नेशनल इनकम मेजर करने का इनकम मेथड, इनकम मेथड जिसको कि फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड से NDPFC या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होता है। इसके तीन मेन कंपोनेंट हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लाइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लाइज के दो पार्ट होते हैं, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश काइंड, और सेकेंड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ऑपरेटिंग सरप्लस के चार पार्ट हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के फर्दर तीन पार्ट हैं, कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को काम के बदले जो भी पेमेंट करता है वही कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। इसके दो पार्ट हमने पढ़ा ही कि या तो एक है वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। कैश का मतलब कैश पेमेंट, काइंड का मतलब फ्री में मेडिकल फैसिलिटी देना, फ्री में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, फ्री एकोमोडेशन देना, ये सब आता है। और इसके अलावा सेकंड पार्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करता है, वह इसका एक एग्जाम्पल है, ताकि एम्प्लॉय का फ्यूचर सिक्योर रहे। सेकेंड पार्ट था ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें कि दो चीज़ें आती हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी में रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट आता है। इसके अलावा थर्ड जो कंपोनेंट है वह है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनकी जो इनकम होती है उसमें रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, वेज भी है, प्रॉफिट भी है। तो वो फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, उसने अपने ही मकान में शॉप किया है और अपने ही लेबर के रूप में काम कर रहा है, तो कितना उसका वेज है, कितना उसका रेंट है, कितना प्रॉफिट है, उसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। तो इसलिए उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम कीजिए तो डोमेस्टिक इनकम NDPFC निकल जाएगा। फिर उससे आप और कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया गया है, इसको देखिए। इसमें NDPFC पहले निकाला जाता है और फिर उससे NNPMP निकालते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए टास्क दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ईजी मेथड है, बार बार देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।